यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ककोड़ सेंटर में क्वारंटाइन किए गए परिवार की 18 वर्षीय बेटी की क्वारंटाइन सेंटर में अचानक मौत हो गई। युवती की मौत की खबर से बुलंदशहर प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम और एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि बीते रविवार को देर रात ग्रेटर नोएडा के देवला से एक परिवार अपने घर हरदोई के लिए पैदल निकला था, जिसको बुलंदशहर प्रशासन ने पकड़कर ककोड़ सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि पीड़ित परिवार ने प्रशासन से युवती की बीमारी की बात छुपाई। देखिए, वो कल रात को आई थी क्वारंटाइन सेंटर में, आश्रय स्थल में, तो वहाँ पे चेकअप हुआ था उसका, तब उसमें जो है कुछ भी कोरोना के लक्षण नहीं थे उसमें। फिर आज दिन में उसको अचानक जो है खून की उल्टियाँ हुई, जिसकी वजह से एकदम से वो पलक कर गई और उसकी डेथ हो गई। हम लोग वहाँ पे टाइम से पहुँचे, जैसे हमें सूचना मिली लगभग 5 बजे के आसपास, तो जो है हम वहाँ पर पहुँचे तुरंत 5 मिनट के अंदर। तो वहाँ देखा तो मतलब जैसे इलाज करने के लिए हमने उसकी नब्ज वगैरह देखी तो पता चला कि वो एक्सपायर हो चुकी। ग्रेटर नोएडा से जो है एक दंपति हैं जो फूल सिंह थे, उन्हीं का परिवार था वो, उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियाँ जो हैं वो यहाँ आए थे, मूल रूप से रहने वाले हरदोई के थे। और कल वो वहाँ से पैदल चलते हुए आए हुए थे, तो जो बॉर्डर है बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोका गया और रात को लगभग 1 बजे जो है पुलिस द्वारा जो है क्वारंटाइन सेंटर द्वारा जो काका डिग्री कॉलेज है वहाँ पहुँचाया गया। वहाँ पर सारे लोगों का जो है डॉक्टरों द्वारा जो है परीक्षण करके जो है और उनके अलग अलग ग्रुपों में सबको जो है रुकने की सब व्यवस्था की गई। तो उस समय सारी चीज़ें सब नॉर्मल थी, कोई बात नहीं थी। आज दिन में जो है अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हुई, तो सूचना दी गई डॉक्टर को, डॉक्टरों की टीम तुरंत गई वहाँ पे, तो पता चला जब तक परीक्षण कर रहे थे, दवा हुआ इलाज कर रहे थे, तभी उनकी डेथ हो गई जो है। बाद में पता चला जब वहाँ पे उसके माता पिता ने कि इस तथ्य को छिपा लिया था कि वो ट्यूबरक्लोसिस की मरीज थी और काफ़ी लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था, इस तथ्य को छिपाए। वो उसके सारे कागजात वहीं पर मिले जिसमें उसने जो हाल ही में डॉक्टरों को दिखाया था और सारी मेडिकल चेकअप वगैरह कराया था, लेकिन इस तथ्य को उसने इसलिए छिपा लिया। मैंने पूछा कि क्यों ऐसा किया आपने, बताइए। उसने बताया कि इसलिए तथ्य को छिपा लिया था कि यदि मैं बताऊंगा तो आप लोग मेरी बेटी को यहाँ भर्ती कर लोगे और मैं अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, इसलिए इस तथ्य को छिपा लिया। मृतका के पिता फूल सिंह पेशे से मजदूर हैं जो अपने गृह जनपद हरदोई के लिए निकले थे। मगर बुलंदशहर प्रशासन ने सिकंदराबाद रास्ते में पकड़कर उन्हें वैर इलाके में स्थित सैनी मैरिज होम में क्वारंटाइन कर दिया। मृतका आरती टीबी की बीमारी से ग्रस्त थी, जिसकी पैदल लंबा सफर तय करने पर तबीयत इतनी बिगड़ गई कि सोमवार शाम मृतका को क्वारंटाइन सेंटर में खून की उल्टी हो गई। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर आरती की मौत हो गई। आरती की मौत के बाद उसका परिवार बिना पोस्टमार्टम कराए मृतका के शव को लेकर पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।